दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक झा, माधव आनंद जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप सवाल पूछिए लेकिन नेगेटिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। जी जी जी, बताइए ना, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? एक कह रहे हैं कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जिससे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। भैया बताइए ना, एक तरफ पूरे देश का पॉकेट आप मार रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हम कुछ लोगों का भला करेंगे, अडानी अंबानी जैसे लोगों का भला करें। आप ये बताइए, डीजल पेट्रोल क्या आज से महंगा हुआ है? पिछले एक साल से आपने किस तरह से बेतहाशा रेट बढ़ाया है? और मूर्ख किसको बनाते हैं भाई साहब? पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल का कीमत कितना है पूरा देश जानता है। जब क्रूड ऑयल $100 से ऊपर था तब क्या रेट मिलता था देश को? तो आंकड़ों को छेड़खानी मत करिए ना अनिला जी ना माधव आनंद, ये लोग देश को मूर्ख बनाने के। क्या आप महंगाई को कहेंगे लॉजिक के साथ हम महंगाई को देंगे तो महंगाई ठीक है? अरे भैया किसको पढ़ाते हो, किसको मूर्ख बनाते हो? आप अनिला जी से पूछिए और माधव आनंद जी से। ये लोग बोलेंगे विपक्ष पढ़ के आए, दीपक जी पूछ लेते ना, पूछ लेते हैं, अरे पूछ लेते हैं, वक्त है हमारे पास, पूछते हैं। माधव आनंद जी पहले आप, उसके बाद अनिला जी, पहले माधव आनंद जी जल्दी से। जी मैं वही कह रहा था जो इन लोग बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन पे, 7 साल की सरकार होने गई हो जा रही है और एक भी करप्शन के केसेस नहीं लगे हैं, यही तो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। करप्शन का मामला कांग्रेस के वक्त में कितने करप्शन हुए थे हम सब लोगों को याद है, 2G से लेके कोल स्कैम से लेके कितने घोटाले आपको गिनाओ, वही ट्रैक रिकॉर्ड आदरणीय नीतीश कुमार जी का रहा है। 17 साल के शासनकाल में एक भी कोई बता दे कि बिहार में कोई घोटाले हुए हैं। जिस तरह समन्वय हम लोग का बीजेपी के साथ चल रहा है इसकी सराहना होनी चाहिए। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं, इन लोगों की तरह मेवा खाने में विश्वास नहीं रखते। ठीक है अनिला जी, क्या जवाब? और मैं अपने तमाम मेहमानों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जब कोई एक बोले तो दूसरा ना बोले, क्योंकि वर्चुअली आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई एक बोलता है तो दूसरे की आवाज फिर नहीं जाती है। अनिला जी, जी समीर जी, अभी अभी दीपक झा ने बोला कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को हाइक करके। मैं सीधे इनको चुनौती देती हूं और प्रश्न करती हूं, मुझको समझाइए गणित कि जो प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोल एंड डीजल है वो किस प्रकार से अडानी और अंबानी को बेनिफिट कर रहा है? अगर इनके पास एक्सप्लेनेशन है आपका, ये तो हवा चैनल है, पूछिए इनसे, पूछिए। इट इज माई चैलेंज जो है, ये उल्टी सीधी बातें करना, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी कहना, तो दीपक झा को भी नहीं पता होगा जिन्होंने ये आरोप लगा दिया। दीपक झा वही कह रही, यही होता है क्या, कई बार हवा हवाई आरोप लगा दिए जाते हैं निशाना साधने के लिए। जवाब दे रहा हूँ ना समीर जी, आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बात मत करिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सवाल पूछा जा रहा है वो बोलिए। पेट्रोल पंप आज पूरे रिलायंस का, यही हो गया किसी को सवाल सुनने की आदत ही नहीं रही। दीपक झा आप भी उसी बीमारी से पीड़ित लग रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आज पूरे देश में रिलायंस के पेट्रोल धड़ल्ले से चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सरकारी रेट के साथ आ चुके हैं, जो वो रेट चाहते थे वही रेट आज पूरे देश में पेट्रोल बिक रहा है। अगर पहले सब्सिडी होती थी, डीजल पेट्रोल सस्ता होता था, रिलायंस के पेट्रोल नहीं चल पाते थे। एक टाइम था पूरे देश में रिलायंस का पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पे आ गया था, बंद पड़ गए थे, ताले लग गए थे, और आज पूरे देश में रिलायंस का पेट्रोल बिक रहा है। तो मोदी जी ने अपने मित्र को तो दे दिया और जनता को ठग लिया। क्या दीपक झा आप भी क्या दलील दे रहे हैं, क्या दलील दे रहे हैं आप भी? अनिला जी जवाब देंगी इसका, अनिला जी जवाब देंगी, लेकिन मानसून सत्र में, अनिला जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र के दौरान महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा ये तय किया गया है। किसान आंदोलन, कोरोना संक्रमण पर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष, ये एक अहम अपडेट हमारे पास आ रही है, इसके बारे में आपको बता दें। और साथ ही साथ अहम खबर यह है कि 3 अध्यादेशों समेत 23 विधेयक पास करवाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। मॉनसून सत्र में 17 नए बिल लाएगी मोदी सरकार। मॉनसून सत्र में चीन विवाद पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। चीन पर विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी है। कोरोना, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर सरकार को जवाब देना होगा। ऑपोजिशन की तैयारी के मद्देनजर ये खबर अपने आप में बहुत अहम। तो किसान आंदोलन, कोविड प्रबंधन, बढ़ती महंगाई पर जवाब देने की तैयारी, कुल मिलाकर अनिला जी आप लोगों को कर लेनी चाहिए। मैं
मैंने कहा, परंतु अभी आपने देखा दीपक झा जो हैं उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस कैसे तय होते हैं, और ये नहीं बता पाए अडानी अंबानी को कैसे फायदा हो रहा है। केवल लूज टॉक करना, इसको कहते हैं लूज टॉक करना, बिना तैयारी के बैठना, केवल मनगढ़ंत आरोप लगाना, सीधी सी बात है। देखिए समीर जी, आए दिन हम इस चीज पे शो कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की प्राइस हाइक को लेके या जो खुदरा महंगाई है उसकी प्राइस हाइक को लेके, परंतु जब जानकारी नहीं होती जिस व्यक्ति को, केवल अडानी अंबानी दो शब्द जानते हो तो वहां ये बैठ के, और जब मेरे जैसी प्रवक्ता इनको चैलेंज करती है तो ये उत्तर नहीं दे पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि डीजल पेट्रोल के प्राइसेस कैसे तय हो रहे हैं और उसका कारण क्या है, और अडानी अंबानी एसोसिएटेड नहीं है। भारतवर्ष जो अभी भी 3 करोड़ के करीब वैक्सीन्स जो है स्टेट्स और यूटीज के पास अवेलेबल हैं, एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं जानती हूँ जब कोविड का भयंकर यहाँ पे काल पड़ रहा था उस वक्त कैसे कुछ विरोधी दलों ने दवाई से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके अस्पताल में बेड तक कालाबाजारी की, एक जो फेक क्राइसिस को क्रिएट करने का यहाँ पे काम किया। वही काम जो है ये जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है आज हाय तौबा कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है, ये अवेलेबिलिटी नहीं कराना चाहते हैं, ये फेक क्राइसिस को डेवलप करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से आती हूँ, भारत 40 करोड़ का वैक्सीन करा के पहला ऐसा देश हो गया है विश्व में। उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 4 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुके हैं। ठीक है, अगर इच्छा शक्ति है तो आप जरूर करेंगे, परंतु लोगों को आपको तंग करना है केवल अपनी राजनीति करने के लिए, तो अभी आप देख लीजिएगा पार्लियामेंट में काम थोड़ी ना होने देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।